आईबीटी एंड ये हमारे मनसुख पटेल सर है, इनकी ये कार है सर। तो आपकी कार जब आपने ली तब तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था यार, वैसे कंफर्टेबल मेन कंसर्न क्या रहता है जब आप कार दे रहे थे तो कंपटीशन में और कौन सी कार दे रहे थे? इसके कंपैरिजन के लिए देखिए तो बलेनो है, टोयोटा ग्लांसा भी है, लेकिन वॉइस एंड कम्फर्ट वाइज देखने जाए तो फिक्स कार इज मच बेटर लाइक कंफर्टेबल। और आप जब अपनी कार चला रहे थे आपको मेजर कंसर्न कौन कौन से फील हो लाइक? आप मेजर कंसर्न तो अभी फिलहाल माइलेज का है। आई रीड इट यस, इट इज बिकॉज ऑफ दैट इज आई हैव ऑटोमेटिक कार ट्रांसमिशन होता है, लेकिन आपके एक रोबोट होता है वो लाइक चेंज करता है मैनुअली टाइप का। फिर रहता है सीवीटी और आईवीटी। सीवीटी लाइक एक्टिवा के आपके जो रबड़ बेल्ट है वो ये है, और आईवीटी उसका एक अपग्रेडेशन है। उसके अंदर आपके रबर के जगह मेटल के जो बेल्ट होती है वो यूज होती है। जैसा थिंग कंसिडर वो टेक्नोलॉजी। एंड आप उसको लाइक इस कार चला रहे हो तो कितने किलोमीटर चल गई? ये अभी तक अराउंड 1500 किलोमीटर चली। एंड द माइलेज यू गॉट लाइक सिटी में माइलेज देखने जाए तो 10 to 11 मैक्सिमम 11 तक होती है, और हाईवे पर देखने जाए तो मेरी 19 तक गई। हाईवे पर 19 तक गई। सो टाइप ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनी गुड एंड बैड थिंग लाइक दैट? कार इज गुड, चलाने में मजा आया। और बैड एक्सपीरियंस में नाउ दिस इज i20 और ये i20 का सेकेंड वेरिएंट है। मीन्स इसके अंदर फर्स्ट इज मेगना, सेकेंड स्पोर्ट्स आता है, थर्ड आस्था एंड लास्ट वन इज आस्था ऑप्शनल जो टॉप मॉडल होता है। सो ये आपका है i20 का आईवीटी मॉडल इन ग्रे कलर एंड हेयर यू कैन सी द कार इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये मॉडल के अंदर आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलती, एरोडायनामिक शेप इसके अंदर मिल जाता है, कैरेक्टर लाइन मिल जाती है नीचे की तरफ, ब्लैक रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। वी ऑन द पार्किंग लाइट टू सी हाउ द कार इज़ लुकिंग विथ ऑल द फीचर्स। सो इसके अंदर बेसिकली आप देखोगे तो आपको हेडलैम्प मिल जाता है जो प्रोजेक्टर टाइप का नहीं होगा, एंड नीचे की तरफ LED DRLs मिल जाती है, एंड नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टेड फॉग लैंप मिल जाते हैं। Hyundai का लोगो एंड ग्रिल पैटर्न इज़ लुकिंग क्वाइट गुड एंड प्रोजेक्टेड हेडलैम्प से, और उसके साइड में आपको एयर कर्टन मिल जाते हैं। सो एट हाई स्पीड आपको स्टेबिलिटी गाड़ी में प्रोवाइड होती है। सो आपके जो ORVM है उसके ऊपर आपको साइलेंट इंडिकेटर मिल जाते हैं, और जो ORVM भी होते हैं वो आपके बॉडी कलर होते हैं। देन हेयर यू जस्ट सी कि आपको कार के ऊपर आपको ऑटो का सिंबल मिल जाता है, और ये है आपके 16 इंच के स्टाइल व्हील। दे आर नॉट एलॉय व्हील, दे आर सस्ता एलॉय व्हील यू कैन से। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पीछे की तरफ आपको क्रोम फिनिश बेल्ट लाइन मिल जाती है, ऊपर रूफ रेल नहीं मिलती। एंड व्हेन वी जस्ट गो बैक साइड सो वी गेट जेड पैटर्न के अंदर आपको LED DRL मिल जाते हैं इसमें, टेल लैंप, एंड जो दोनों टेल लैंप है वो कनेक्टेड है विद अ क्रोम बेल्ट लाइन। ऊपर की तरफ आपको सार्फिन एंटीना मिल जाता है, एंड देन टेल लैंप, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिफोगर मिल जाता है, बट आपको इसके अंदर वाइपर वॉशर नहीं मिलता, वो टॉप मॉडल होते हैं उसके अंदर आपको मिलेगा टॉप एंड सेकेंड टॉप के अंदर। एंड देन पीछे आपको कैमरा मिल जाता है, एंड पीछे आपको स्कीड प्लेट मिल जाती है। एंड व्हेन वी जस्ट मूव साइड के अंदर तो आपको इसके अंदर पेट्रोल टैंक मिलेगा विद द कैपेसिटी ऑफ द 37 liters, और आपको क्रोम फिनिश बेल्ट लाइन मिल जाती है, और जो इसके डोर हैंडल्स है वो है आपके बॉडी कलर के मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश में नहीं आते। एंड व्हेन वी जस्ट मूव दिस साइड द कार इज लुकिंग क्वाइट लॉन्ग एंड अच्छा है। 4 meters की इसकी लेंथ है एंड 17-15 mm की विथ है इसकी। नाउ जब हम अंदर की तरफ आते हैं सो हमको इसके अंदर इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक कलर का, और जो इसकी सीट एडजस्टमेंट है वो 6-way के अंदर होती है। यू कैन मूव अप एंड डाउन, रिक्लाइन एंड डिक्लाइन भी ये होती है, एंड ये आगे पीछे होती है विद द मेटल बार जो आपके आगे की तरफ होता है। सो ये वेरिएंट के अंदर आपको
पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा, बट यू गॉट अ की टू स्टार्ट द व्हीकल। सो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ORVM मिल जाते हैं, अलोंग विद डेट यू ऑल्सो गेट ऑटोमेटिक फोल्ड एंड अनफोल्ड ORVM। सो ड्राइवर सीट पे आपको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल पावर्स विंडोज मिल जाती है। नाउ वी सी जो डिस्प्ले है वो क्वाइट HD है, सो आप इसके अंदर HD वीडियो देख सकते हो आराम से, फुल HD वीडियो आप इसमें देख सकते हो। सो नाउ आपको कार के अंदर यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, इसके अंदर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर एंड 3 सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम मिल जाता है, अलोंग विद द टेम्परेचर एंड गाड़ी कितनी चली है एंड ये फ्यूल के अंदर आपकी गाड़ी कितनी चलेगी, ये सब इसमें बताता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम भी आपको इसके अंदर मिलता है। यू ऑल्सो गॉट द यूजर सेटिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सेटिंग चेंज कर सकते हो। नाउ हम जो ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर नहीं मिलता, वो DCT में आपको मिलता है। एंड हेयर ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव टू कंट्रोल वाइपर एंड राइट साइड पे आप साइलेंट इंडिकेटर्स कंट्रोल कर सकते हो, और ऑल्सो यू कैन कंट्रोल द हेडलैम्प विद दिस, यू कैन चेंज द सेटिंग। सो आपको इस टाइप के अंदर इसके अंदर HD डिस्प्ले मिल जाती है एंड यू कैन कंट्रोल द वॉल्यूम फ्रॉम द ट्यून बटन और साइड में जो बटन है उससे। और जो कार के अंदर है आपको इसमें टोटल 6 स्पीकर मिल जाते हैं, आगे दो ट्विटर एंड आगे स्पीकर भी दो होंगे, ऑन द बैक ऑफ साइड आप देखोगे तो दो स्पीकर होते हैं। और ये जितने भी स्पीकर है Hyundai के होते हैं, दे आर नॉट ऑफ बोस, जो टॉप मॉडल आता है उसके अंदर आपको बोस के प्रीमियम स्पीकर्स देखने मिलते हैं। नाउ हम AC के बारे में देखेंगे, ऊपर AC मिल जाता है एंड पार्किंग लाइट आपको इस टेम्परेचर कंट्रोल और फैन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, अलोंग विद डेट आपको डिफरेंट बटन्स मिल जाते हैं चेंज द सेटिंग ऑफ द AC। यहाँ पे आपको मिल जाएगा USB पोर्ट एंड अलोंग विद डेट यू ऑल्सो गेट द 12 वोल्ट पोर्ट। तो ये पोर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं और भी सॉकेट्स इसमें लगा सकते हैं। एंड जब हम नीचे की तरफ आते तो हम यहाँ पे देखते हैं आपको ट्रांसमिशन मिलता है IVT, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइविंग मोड, और ड्राइविंग मोड को आप कन्वर्ट कर सकते हो मैनुअल के अंदर भी। एंड दिस इज़ द कैमरा क्लियरिटी ऑफ द Hyundai, जो कैमरा है आपका कंपनी फिटेड है, तो इसके अंदर क्लियरिटी आपको अच्छी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू आप मार्केट से जो इंस्टॉल कराते हैं उसके अंदर। ये गाड़ी रुकी हुई है बट रिवर्स के अंदर आपको डायनामिक गाइडलाइन मिल जाती है। नाउ आपको क्लू ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, इसके अंदर जो मैटिंग है और जो सीट कवर है वो कंपनी फिटेड है, एंड जो सीट कवर होते हैं ये एयरबैग को सपोर्ट करते हैं। एंड पैसेंजर साइड के ऊपर आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनग्लासेस रखने की जगह मिल जाती है। एंड हेयर देयर इज़ अ लाइट यू कैन ऑन एंड ऑफ इट, ड्राइवर साइड पे कोई आपको मिरर नहीं मिलता। एंड नीचे के साइड आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है एंड ऑल्सो यू गेट द आर्म रेस्ट, उसके अंदर आप चॉकलेट फ्लेवर या चॉकलेट रख सकते हो। क्या बोला तूने? देन आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, क्वाइट गुड। नीचे आपको मैटिंग प्रोवाइड होगी अलोंग विद डेट, ऑन द राइट हैंड लेग इज़ यूज फॉर द एक्सलरेशन और ब्रेक के लिए, और अपना जो लेफ्ट लेग आप फ्रीली रख सकते हो उसके अंदर। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द IVT। नाउ जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो आपको इनफ स्पेस मिल जाती है, बहुत जगह है पीछे, बहुत जगह है, बहुत जगह है। देन एंड आपको पीछे दो AC मिल जाते हैं, यू कैन कंट्रोल इट विथ योर हैंड, और मोबाइल रखने की जगह भी है। अलोंग विद डैट यू जस्ट गो ऑन बॉटम साइड, यू जस्ट गेट द USB प्लग, इट इज़ यूज फॉर द वैक्यूम क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको, बाय एक एडाप्टर लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। पीछे की विंडोज आपको पावर्स विंडो मिल जाती है एंड पीछे स्पीकर्स भी है। सो दिस इज़ द बूट स्पेस ऑफ द i20 IVT, बूट स्पेस इज़ क्वाइट गुड, आपको 411 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, हैचबैक कार है। देन ऑल्सो ये जो IVT है ये आपके CNG में नहीं आती, इट्स ओनली कम इन द पेट्रोल। सो लेट्स रिमूव द पार्सल ट्रे, तो हमको प्रॉपर एनाल पता चले कि इसके अंदर कितनी जगह है। सो आप साइड में से पार्सल ट्रे निकाल सकते हैं, उसको नीचे भी रख सकते हैं। तो बैक साइड आपको 1, 2, 3 थ्रीसम सीट मिल जाती है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। नाउ बी डाउन द हेडरेस्ट, 1
टू और थ्री हेडरेस्ट कम डाउन कर देते हैं। एंड ऑल्सो फॉर डेट वी हैव टू रिमूव द स्ट्रैप्स। तो स्ट्रैप्स को हम जैसे खींचते हैं लेफ्ट एंड राइट के, तो आपकी जो सीट है वो अनप्लग हो जाती है एंड धक्का दोगे तो वो पीछे की तरफ गिर जाएगी। नाउ यू जस्ट गॉट, इसके अंदर इनफ स्पेस मिल जाती है आपको। तो बाहर कभी जा रहे हो और आपको कुछ चीज़ें रखनी है, यू कैन ईजीली पुट इन डेट। नाउ हम कार को लेके के चल चुके हैं टेस्ट ड्राइव की ओर, और हम देख रहे हैं जो कार के जो सस्पेंशन इज़ क्वाइट गुड ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। एंड Hyundai की फिट एंड फिनिश तो ऑफकोर्स अच्छी होती है। जब हम इस पर हाई स्पीड पे भी ले जाते हैं लाइक एट द 100 और 120 की स्पीड पे, देन ऑल्सो जो पैसेंजर केबिन क्वाइट साइलेंट रहती है, बिकॉज जो कार का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इंजिन है इज़ क्वाइट साइलेंट एंड NVH लेवल भी इसका लो है। एंड वी ऑल्सो फाइंड इट जब आप स्टीयर करते हैं तो इसका स्टीयरिंग ये बहुत कंफर्टेबल होता है, पावर स्टीयरिंग इसमें आता है। एंड लेट्स मूव द व्हीकल एट हाई स्पीड। बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I'll pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong.